Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अल्जेब्रा का 6th लेसन स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम सेट 6। प्रॉब्लम सेट 6 की हमने चार पार्ट में वीडियो बनाई है, तो अदर पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 14। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ सकती है, तो हम यहाँ पे आपको बोर्ड पर ना बताते हुए सीधे आपके ग्राफ पे आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन 11 to 13 करना है, और 14 आपको बोर्ड पे समझा देंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू डू ए साइंस एक्सपेरिमेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज शोन इन द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो द इन्फॉर्मेशन बाई ए हिस्टोग्राम एंड ऑल्सो बाई ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए, हम एक ही पे क्या बनाना, एक ही पे हमें हिस्टोग्राम बना देते हैं और फ्रीक्वेंसी बना, जैसे हमने पिछले पार्ट सेकेंड वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसी तरह हम करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो टेबल दिया हुआ है उसमें जो क्लास है वह कंटिन्यू है कि नहीं है। कंटिन्यू है, बहुत अच्छा, क्योंकि कंटिन्यू है 22 22 22 24 कंटिन्यू है। और कंटिन्यू नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू बनाना पड़ता है, और यहाँ पे कंटिन्यू है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जीरो से स्टार्ट है कि नहीं, अगर जीरो से स्टार्ट नहीं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, रिंक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है हिस्टोग्राम बनाने के बाद। हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें कोई आगे बढ़ाने की टेबल नहीं है, लेकिन जब हम ना उसको पॉलीगॉन बनाते हैं ना, तो हमें एक टेबल आगे और एक टेबल पीछे लेना पड़ता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना पड़ता है, जीरो लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या है, 22 22 है, तो मतलब इसके एक पहले कितनी होगा, 18 to 20 होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी हम जीरो लेंगे। उसी तरह एक आगे होगा 32 से लेके 34, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या ले लेंगे, जीरो लेंगे। तो ये एज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम पॉलीगॉन को नीचे बेस पे ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस ही ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ देखिए पेन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेंसिल से वैसे बहुत ब्राइट दिख रहा था, इसलिए पेन यूज़ कर रहे, लेकिन आपको पेंसिल यूज़ ही करना है। अब वो हमारी वाई एक्सिस हो गई और एक्स, यहाँ पे देखिए जीरो से स्टार्ट नहीं, रिंग बनाना, जिसे हम ऑलरेडी पहले एक बॉक्स यहाँ पे छोड़ देते हैं, बिकॉज मिटा नहीं सकते हैं। एक बॉक्स हमने यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा एक्स है, हमारा एक्स डैश, ये वाई, और ये हमारा वाई डैश, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे हमें इसलिए छोड़ा हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें रिंग बनाना, रिंग बनाना बहुत आसान है, सीधा लाइन ड्रॉ करिए, इसको थोड़ा यहाँ से मिला दीजिए और इसको थोड़ा बढ़ा के यहाँ से, ये हमारा रिंग बन गया। रिंग हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमने 18 से 20 स्टार्ट किया, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। अब हमें यहाँ पे कितना लेना है, 18 लेना है। अगर हम यहाँ पे 2 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो हमें जगह नहीं हो पाएगी, इसलिए हम कितना लेते हैं, 1 1 सेंटीमीटर लेते हैं। यहाँ पे 18 ले लिए, यहाँ पे 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 24, यहाँ पर 26, यहाँ 28, यहाँ पे 30, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 34, यहाँ पे 36, बस हमें इतनी बहुत ज़रूरत है। अब ये क्या चीज़ है वो लिख देंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, यह दिया हुआ था, वो भी किस में है, मिनट्स में है। नेक्स्ट अब वाई एक्सिस पे हमें लेना है, वाई एक्सिस पे हमें कितना है, सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी वो देखना है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कितना है, 22 है, मतलब हम यहाँ पे 22 लेंगे तो आराम से हो जाएगा, तो हम 22 ही ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 लेना है, 2 स्टूडेंट्स, मार्किंग हम कर दिए यहाँ पे, हम नंबर लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, बहुत है उतना। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्केल हमें लिखना ज़रूरी है, स्केल एक्स एक्सिस एंड
वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें कितना लिया है, हमने 1 1 सेंटीमीटर लिया है। 1 सेंटीमीटर का गैप कितना है, 2 मिनट्स लिख देंगे, 2 मिनट्स। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे हमने 2 स्टूडेंट लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ओके, सब रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहला 18 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी हमने लिया है, 0 लिया है, तो उसको हमें हटा देना है। फिर नेक्स्ट हमें 20 to 22 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। चलिए इसको हम बना लेते हैं, 20 से 22 की बनाना है 8। आप पेंसिल का यूज़ करिएगा, हम यहाँ पेन का यूज़ करें कि आपको क्लियर दिखे, इसलिए पेन से बना रहे हैं। नेक्स्ट अगला 22 से लेकर 24 कितना फ्रीक्वेंसी है, 16 है। चलिए 16 सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा दिया है 24 से लेकर 26 तक 22 है, 24 20 22, तो ये लास्ट है मेरा, यहाँ पे सेकेंड लास्ट है यहाँ है। नेक्स्ट अगला 26 to 28 का कितना दिया हुआ है, 18। चलिए ये भी दिख रहा है सामने ही, इसको हम 18 से ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ है। नेक्स्ट 28 to 30 का हमारा 14 है, 14 ये यहाँ पे है। हो गया। नेक्स्ट अगला 30 to 32 12 12 यहाँ पे है। और एक कॉलम हमने बनाया है 32 से 40 जिसका फ्रीक्वेंसी क्या लिया है, 0, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा क्या है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम हमारा रेडी हो गया। अब उसी के बाद हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, जितने भी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है सबका हम मिडल में सबको राउंड करेंगे। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे आएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे जी, यहाँ पे सब जगह क्या करते हैं, राउंड करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के कि सबकी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे राउंड कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, सबको 1 by 1 करके स्केल से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से इसको, फिर नेक्स्ट यहाँ से इसको, इसको ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बाद लास्ट हमारा ये यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। यहाँ पे हमने बना दिया, ये हमारा क्या है, यहाँ इसको ले देते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करके बता दिया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। 12 हमारा है, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए यहाँ पे भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, उसमें भी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाने के बाद ही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हमारा जो टेबल दिया है उसमें जो क्लास है वह कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो उसको हम कंटिन्यू क्लास बनाएंगे। यहाँ पे कैसे दिया है, 20 to 24 25 से दे दिया है, देखिए कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे वाले में 0.5 कम करेंगे और पीछे वाले में 0.5 बढ़ाएंगे। जैसे क्या है, 20 है तो कितना हो जाएगा, 19.5। फिर अगला 24 है तो कितना हो जाएगा, 24.5। तो 19.5 से 24.5, नेक्स्ट 24.2 29.5, 29.5 तो 34.5। इस तरह हमने क्या किया, आगे वाले में 0.5 कम करना है, पीछे वाले में 0.5 बढ़ाना है, ये हो गया। लेकिन जब पॉलीगॉन बनाना है तो हमें इस टेबल को एक आगे और एक पीछे भी बढ़ाना पड़ता है। जैसे 20 to 24 लिया हम, तो हमें आगे कितना लेना पड़ता था, हमें 15 to 19 लेना, क्योंकि 4-4 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो 15 to 19 लेंगे। और उसको भी हम आगे जब पॉइंट 0.5 कम करेंगे तो 14.5 से लेकर 19.5 हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा,
50 से लेके 54 तक हो जाएगा, 50 से 54, और 50 में से 0.5 कम करें तो 49.5, और 54 में 5 बढ़ा देंगे तो 54.5 हो जाएगा। तो हम आगे और पीछे लेके आपको टेबल यहाँ बना के दिखा देंगे, आप इसको भी देख लीजिए। अब चलते हैं हम इसको बनाने के, कैसे बनाना है हमें पहले हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, और यह जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो रिंग हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई ही ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस ही ड्रॉ करते हैं। चलिए y एक्सिस ड्रॉ किया और ये हमारा x एक्सिस है। यहाँ पे हमें रिंग बनाना है, जिसकी वजह से हम एक बॉक्स छोड़ दे रहे हैं दूसरे बॉक्स से, इसीलिए हो गया। यहाँ पे हमने रिंग बना देते हैं। रिंग इसलिए बनाया क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं था, इसकी वजह से। ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, और ये हमारा y डैश है। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट कितना है, 14.5 से। 14.5 हम यहाँ पे लेने वाले हैं, 14.5। फिर अगला एक एक का ही गैप लेते हैं क्योंकि जगह देख हिसाब से करना है। फिर अगला 19.5, अगला 24.5, अगला 29.5, अगला 34.5, नेक्स्ट 39.5, 44.5, 49.5, 54.5। आप चाहे तो इसको क्रॉस में वर्ड लिखते तो ये प्रॉपर दिखता, ध्यान दीजिएगा कौन सा किसका कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर पे हमारा जो गैप्स है वह कितना हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, 5 5 का आएगा, 5 5। हाँ कितना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। और लेकिन 5 क्या दिया हुआ है, एज ऑफ द डोनर, ईयर दिया है, 5 ईयर होगा। तो हम यहाँ पे स्केल जब लिखेंगे तो यहाँ पे स्केल में लिख देते हैं, बाद में देखते हैं। अब वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना है वो देखते हैं। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है, 46 है। 46 से मतलब अगर हम क्या है 2 2 का ले लेते हैं तो भी आराम से हो सकता है, क्योंकि नहीं 2 2 में नहीं होगा, 5 ही लेना पड़ेगा, 5 का ही लेते हैं तभी बनेगा। चलिए 1 सेंटीमीटर पे कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, 50 तक जाना ही है। चलिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड यहाँ पे 50 55 भी ले लेते हैं चलेगा। यहाँ पे जो दिया था वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, एज ऑफ द डोनर, एज ऑफ द डोनर, और ये क्या है, ईयर्स में दिया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ द ब्लड, नंबर ऑफ द ब्लड डोनर्स, यह ईयर्स है और नंबर ऑफ डोनर्स है। हाँ कितने डोनर्स हैं और ये नंबर ऑफ ईयर्स है। अब यहाँ पे स्केल लिख देते हैं, स्केल लिखना ज़रूरी है। एक्स एक्सिस पे हम पहले लिखते हैं फिर बाद में वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को ये भी हमने 5 ही लिया है, 5 डोनर्स हो गया। सब रेडी हो गया। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए 14.5 से 19.5 की फ्रीक्वेंसी 0 है, अपने मन से हमने लिया था, इसको हमें काउंट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट अगला 19.5 से लेके 24.5 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 38 है। 38 है मतलब इसको हमें कैसे बनाना है, जो हमारा दो बॉक्स होगा उसका वन, दो बॉक्स मीन्स क्या होगा, 1 डोनर, दो बॉक्स मीन्स 1 डोनर। तो हमें यहाँ पे 40 40 के हम यहाँ पे 4 कम कर देंगे मतलब 2 ही कम होगा, 2 डोनर कम हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। मतलब 40 में हमें 4 बॉक्स कम लेना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक ही लेना है। चार बॉक्स कम लेना है, ये हो गया फर्स्ट हमारा। नेक्स्ट अगला 24.5 to 29.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 46 है। 46 मतलब 50 में कितना बढ़ाना है, केवल 2 बॉक्स बढ़ाना है, 45 में केवल 2 बॉक्स बढ़ाना है, तो 46 हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉक्स मतलब ही कितना होगा, 1 डोनर।
चलिए एक डोनर बढ़ गया, कितना हो जाएगा 46 हो गया। नेक्स्ट अगला 29.5 टू 34.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 35 है, तो क्लियरली दिख रही है सामने ही 35 है, तो इसको हम डायरेक्टली बना लेते हैं। यहाँ पे आप पेंसिल का यूज़ करिएगा, पेन का यूज़ नहीं करना है, क्लियर दिखने की वजह से हम यहाँ पे पेन का यूज़ कर रहे हैं कि आपको क्लियर दिखे। फिर नेक्स्ट 34.5 से 39.5, 24 है, 24 मतलब 25 में कितना कम करना पड़ेगा, दो यूनिट कम करेंगे, दो यहाँ पे बॉक्स कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक डोनर कम हो जाएगा। जॉइन नेक्स्ट 39.5 का 5 से लेके 44.5 का फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, तो अब इसको हम यहाँ पे 15 का ले लेते हैं, 15 तो सामने ही दिख रहा है, क्लियर है, इसको मार्किंग करके यहाँ पे डायरेक्टली मिला देते हैं, ये हमारा 15 तो हो गया। उसके बाद 44.5 से लेके 49.5 का कितना, 12 के लिए देखिएगा करेंगे, 10 के ऊपर हम 4 कॉलम लेंगे, क्योंकि दो छोटे छोटे बॉक्स का मतलब कितना आता है, 1, तो 4 लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेंगे हम, इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे हमने जितना भी दिया था खत्म हो गया। और 49.5 से लेके 54.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम बना दिया, हिस्टोग्राम बनाना नहीं था, लेकिन हिस्टोग्राम से ही हम क्या बनाने वाले हैं, पॉलीगॉन, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा है हिस्टोग्राम है, ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। अब पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या करना है, सबके जो फ्रीक्वेंसी है उसके मिड पॉइंट को जॉइन, मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा और इसका यहाँ पे आएगा, और सबको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं स्केल की हेल्प से, तो हमारा पॉलीगॉन भी बन जाएगा, यहाँ हो गया, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ, सब आपको स्केल की हेल्प से करना है, हम पेन का इसलिए यूज़ करें कि आपको क्लियर दिखे, और ये लास्ट वाला यहाँ से देखिए, यहाँ से बेस में भी हमारा आ गया, ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर, इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज रेनफॉल इन 150 टाउन्स, सो द इन्फॉर्मेशन बाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, लेकिन हम देख लेते हैं पहले जो हमारा टेबल दिया है उसमें जो हमारा क्लास है कंटिन्यूस है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्लास कंटिन्यू, क्योंकि 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 है, तो कंटिन्यूस है, लेकिन अगर 0 से स्टार्ट है तो अच्छा है, अगर 0 से स्टार्ट नहीं है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिंक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे रिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे वाले समय हमने क्या बना दिया था, रिंक बनाया था, क्योंकि वहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं था, बट ये 0 से स्टार्ट है इसलिए रिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी जब पॉलीगॉन बनाते हैं तो उसमें एक आगे जब बढ़ाते हैं एक पीछे, हम इसको आगे लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन कभी भी जो रेनफॉल होते हैं माइनस में नहीं होता, इसलिए हम इसको बढ़ाएंगे नहीं आगे बल्कि पीछे। 80 to 100 है तो उसको हम क्या लेंगे, 100 to 120 ले लेते हैं। चलिए तो हम पहले क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम, उसके बाद उसी को पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर देंगे। यह हमारा एक्स एक्सिस और यह हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश, और जहाँ इंटरसेक्शन रहेगा वो 0, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, तो कोई फ्रीक्वेंसी बनाने की जरूरत, सॉरी रिंग बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम 2-2 सेंटीमीटर के गैप आराम से ले सकते हैं, यहाँ पे 0 0 से लेके हम यहाँ पे कितना लेते हैं 20, फिर यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 120, हो गया पूरा 2-2 सेंटीमीटर का गैप पे हमने क्या लिया है, एवरेज का रेनफॉल सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज रेनफॉल सेंटीमीटर, हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हमें वाई एक्सिस पे जो लेना है देखते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, 48 है, 48 है, मतलब हम यहाँ पे कितना अगर 5 लेते हैं तो आराम से भी हो जाएगा, तो 5 लेते हैं, 5 10 15 20 20, यहाँ पे 25 30 35
45, अरे हमारा आ जाएगा 50। चलिए सबसे पहले अब हमें क्या बनाना है, 0 से लेके 10, ये लिख दे क्या चीज़ है, ये हमारा है नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन्स। यहाँ पे स्केल लिख देते हैं हम, स्केल किस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वन वन नहीं 2 सेंटीमीटर हमने लिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना कितना है, 20 20, गैप भी 20 20 का है और 2 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, 20 सेंटीमीटर रेनफॉल। नेक्स्ट वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 टाउन्स, 1 सेंटीमीटर हमने 5 5 टाउन्स लिया है। पहला हमारा 0 से लेके 22, 20 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 14 है, तो हम यहाँ 14 ले लेते हैं, 14 में तो यहाँ पे देखिए दो, जो दो बॉक्स है उसका मतलब कितना होगा, 1 टाउन होगा, तो हम इसमें 2 कम कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 यहाँ पे हम कम कर दिए, ये हमारा 14 हो गया, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, हो गया। नेक्स्ट अगला 20 to 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, 12 मतलब 10 के आगे कितना हमें लेना पड़ेगा, 2 और बढ़ा दो तो 4 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे हम 10 से 4 ऊपर ले लेते हैं, 10 के बाद 4 ऊपर लेना है, तभी हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यह हो गया। नेक्स्ट 40 to 60, 40 to 60 का 36 है, 60 to 80 का हम बना लिया हमने, और 80 to 100 कितना है, 40 है, तो 40 तो सामने ही दिख रहा है, ये डायरेक्टली बन जाएगा, यह हो गया। और 100 to 120 कितना होगा, 0, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी में 0 लेना है, तो अब हमें क्या करना है, सबके जो मिडिल पॉइंट है उसको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे तो यहाँ आगे वाला है ही नहीं, तो हम यहीं से लेंगे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी का मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट यहाँ, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, अब सबको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसको 0 से ही ज्वाइन करना है क्योंकि आगे हम ले नहीं सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आया है, फिर यहाँ से सीधा ऊपर, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, हो गया हमारा। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या हमारा है, हिस्टोग्राम है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। यहाँ पे हमने आपको हिस्टोग्राम इसकी सहायता से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, ऑब्जर्व द पाई डायग्राम गिवन बिलो, इट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सिग्नल इन ए टाउन बिटवीन 8 AM एंड 10 AM, मतलब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जितनी भी व्हीकल पास होती हैं वह सिग्नल को, यहाँ पे उनका टोटल नंबर परसेंटेज दिया गया है, तो हमें उनका क्या निकालना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल, जितनी भी व्हीकल है पहला क्वेश्चन दिया उसमें कि सारी व्हीकल्स का हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल का फार्मूला आपको पता ही है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू होता है नंबर, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर टोटल नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360, यही होता है। और यहाँ पे टोटल कितना होगा, 100% ही होगा, क्योंकि टोटल 100% ही होता है और सबका 1-1% दिया। तो हम पहले यहाँ पे टेम्पो का स्टार्ट करते हैं, टेम्पो कार टू व्हीलर रिक्शा एंड बसेस, इस तरह 1 by 1 करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसका लेते हैं, टेम्पोस का, तो लिखेंगे यहाँ पे द सेंट्रल एंगल ऑफ टेम्पोस इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ जो टेम्पोज हैं वह है कितना है, टेम्पोज दिया हुआ है 12%, परसेंट ऑफ टेम्पो टोटल परसेंट इंटू 360, यहाँ पे नंबर नहीं रहेगा, परसेंट ऑफ टेम्पोज टोटल परसेंट इंटू 360, कैंसिल करेंगे हम इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
अब यह इसमें मल्टीप्लाई होगा और उसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 12 × 36 एंड डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 432 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 43.2। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें ना इसमें जो सेंट्रल एंगल है पॉइंट में नहीं लेना है, तो क्या करते हैं पॉइंट के बाद अगर फाई रहता है तो हम इसको बढ़ा सकते थे, लेकिन फाई नहीं है या फाई से कम रहता तो उसको 43 रहने देंगे, तो अप्रॉक्स 43 डिग्री हो गया, अप्रॉक्स हमने इसको ले लिया। चलिए नेक्स्ट, अगला इसी में दूसरा निकालना है। अभी हमने टेम्पो का लिया, फिर किसका लेते हैं, कार्स का, तो फिर ऐसे लिखेंगे द सेंट्रल एंगल ऑफ कार्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार, कार का परसेंटेज कितना है 30 अपॉन टोटल परसेंट कितना 100 × 360, 0 से 0 कैंसिल 3 × 36 कर दें कितना आएगा 108। नेक्स्ट, अब टू व्हीलर्स, द सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स का यहाँ पे परसेंटेज कितना है 40 अपॉन 100 × 360, 0 कैंसिल 0 से 0, 36 × 4 करेंगे कितना आएगा 144 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद हम निकालते हैं रिक्शास, द सेंट्रल एंगल ऑफ रिक्शा, ऑटो रिक्शा दिया है, रिक्शा दिया है, इज इक्वल टू रिक्शा कितना यहाँ पे ना दिया है 10%, 10 अपॉन 100% × 360, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यह 0 से यह 0 कितना आ जाएगा 36 हो गया, यहाँ पे डिग्री लिख देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट हमारा बसेस का, द सेंट्रल एंगल ऑफ बसेस इज इक्वल टू बसेस का परसेंटेज 8 एंड टोटल परसेंट 100 × 360, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 का पहले 36 में इसका इसमें इंटू करेंगे तो आएगा हमारा 288.10, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 228.8, लेकिन मैंने बताया था अगर पॉइंट के बाद अगर मोर देन 5 है तो हम इसको एक बढ़ा देंगे, तो अप्रॉक्स हम इसको कितना लेंगे 29 डिग्री हो गया। यहाँ पे हमने सबका क्या है, पहले हमने किसका निकाला है, टेम्पोज का सेंट्रल एंगल, उसके बाद कार्स का सेंट्रल एंगल, उसके बाद टू व्हीलर्स का सेंट्रल एंगल, उसके बाद रिक्शास का, उसके बाद बसेस का, यहाँ पे सबका हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, सेकेंड क्वेश्चन अभी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पूछ रहा है, इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स, पता है हमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स फाइंड करना है अगर टू व्हीलर्स की जो नंबर से कितने होते हैं 1200 होते हैं, तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं हम 1200 नंबर दिए हुए, तो हम यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ जैसे फार्मूला बनाते थे वैसे बनाएंगे, द सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू 360, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स, सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स हमने निकाला था, अभी देखिए ऊपर निकाला था सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स हमारा कितना था 144 निकल लिख दिया, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स दिया ही हमारा यहाँ पे 1200 अपॉन, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें फाइंड करना है इंटू 360, अब ये फाइंड करना है तो इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ
vehicles is equal to 1200 अपॉन 144 इंटू 360। अब कैंसिल करते हैं, इसको बहुत आसान है कैंसिल करना। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 36 कैंसिल कर, 36 इसको कैंसिल करते तो कितना आएगा, वहाँ पे 10 आएगा, और 36 को इसको कैंसिल करके कितना आएगा, 4 आएगा। 4 3 या 12, यहाँ पे 3 0 0, 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3000 व्हीकल्स। यहाँ पे हमने निकाल दिया टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितना आ गए, 3000 आ गए। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कंप्लीट कर दिया, इस तरह 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 6 का पार्ट 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 लिया था, वह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।